हाय गाइस, आज मेरी सिस्टर आने वाली है, सो बी हैप्पी। एंड कहते हैं ना, फैमिली मेम्बर जब आती है तो एक अलग ही एक्साइटेड होती है, और वो खुशी मुझे भी हो रही है, क्योंकि बिकॉज इतने दिनों से मैं अकेले रह रही थी तो काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और देखते हैं, आ रही है तो मतलब उसको लेने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या फन होने वाला है साथ में भी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। तो मिलते हैं। तो फिर जो फ्रेंड, मैं चल चुकी थी, निकल गई थी मैं इसको लेने के लिए, क्योंकि बहुत देर से ही मुझे इंतजार करवा रही थी। और देख रहे हैं ना, नाइट हो चुका है, रात हो चुका है, रात में रोड बहुत अच्छा लगता है। तो निकल चुकी है एंड यहाँ पे मुझे भूख लगी, तो फिर मैं आ गई थी थोड़ा मोमो खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा भूख ही पेटू इंसान को क्या ही चाहिए यार, खाने पीने को चाहिए। एंड यहाँ नेक्स्ट फिर मैं जूस पी ली, मैं बोली यार उसके आने तक मैं कुछ जूस वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा भैया जूस बनाते हैं। तो मैं आ गई थी जूस पीने के लिए। और आप लोग भी, समर का सीज़न है तो भाई तो ये तो चलता है थोड़ा वो ठंडा, एंड यही सारी चीज़ें पी के मैं बीमार पड़ जाती हूँ। एंड देखिए, फाइनली ये आ गई, मैं इसको मिल गई और रिसीव भी कर ली। और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत हम लोग वीडियो बनाए, एंड यहाँ पे उसके बाद से थोड़े फ़ोटो खींचे, और फिर इसके बाद से फिर हम कहे यार चलो चलते हैं, इसको कुछ बाहर ही थोड़ा खिला फिला देते हैं। फिर यहाँ पे आ गए थे हम आईपी, क्योंकि आईपी ऑब्वियसली खाने पीने के लिए, फास्ट फूड के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि नाइट में वैसे भी डिनर वगैरह करते, तो यहाँ पे सोचे थोड़ा सा फास्ट फूड खा ले। तो आपको पता है कि ईद का माहौल चल रहा है, तो ईद के बाद से इतनी सारी आईपी में भीड़ थी ना यार, मेरा माथा खराब हो गया। मैं बोली यार मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ। एंड यहाँ के बाद से आपको केएफसी में नवरात्रि चला ऑलरेडी, चिकन वगैरह, एंड हम लोग चिकन वगैरह नहीं खाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए आईपी में इतनी सारी भीड़ थी, फिर हम लोग कह यार यहाँ से भी निकलते, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को ना शांति जगह चाहिए थी चिल करने के लिए। इतने सारे शोर शराबे में नहीं, मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी मैकडोनल्ड में। एंड यहाँ पे देखिए मूवी भी चल रही थी, मैदान मूवी चल रही थी, तो इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी। एंड कुछ ही समय मैं भी जाऊँगी, और आप देख सकते हैं कि इसके पास डोमिनोज के पास भी कितने सारे भीड़ हैं। और ये आईपी का लुक है, जो लोग मतलब आईपी में गए होंगे, और ये मैकडोनल्ड का जो सिंबल लगा होता है, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। मैं तो फोटो वगैरह बहुत क्लिक करवाती हूँ, एंड कौन कौन क्लिक कराता है, कौन कौन मेरी तरीके से एक एक पॉइंट को याद रखता है, मैं तो एक एक पॉइंट चूज करके मैं वहाँ फोटो क्लिक कराती हूँ। एंड यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है, एंड देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमिनोज के अंदर कितनी भीड़ पड़ी हुई है, और बहुत सारे नंबर लगाना पड़ते। तो इसके बाद से हम लोग आ गए होटल रेस्टोरेंट, आ चुकी है। अब देखिए मैं इसी का वेट कर रही थी इतने देरों से, और आने के बाद फिर अभी हम आ गए रेस्टोरेंट खाने के लिए कुछ भी, और फिर हम चलते हैं रूम पे, तो फिर आपसे बातें करते हैं। फिर यहाँ पे मैं थोड़े बहुत वीडियो क्लिक करवाई एंड थोड़े बहुत सेल्फी हुए। भाई हम गर्ल्स का कहते हैं ना कि हम लोगों को पसंद होता है जहाँ जाए सेल्फी ना ले, कुछ एंजॉय ना करें, तो मैं यहाँ पे बहुत सारा चिल कर रही हूँ। रेस्टोरेंट आए हैं अभी कुछ खाने के लिए, बहुत भूख प्यास लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ के चिल कर रहे हैं, और एक इंसान हमारे साथ बैठे हुए हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने दायरे और उसमें रहते हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो फिर हम चलते हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ खाने होने के बाद से फिर हम वापस सोचे कि यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक कराते, वीडियो वगैरह थोड़े बनाए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा चिल किए, क्योंकि भाई जहाँ पे जाएँ वो चिल ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत मज़ा आता है चिल करने के लिए, एंड आप लोग भी जाते होंगे तो इन्जॉय करते होंगे। एंड मेरे साथ मेरे अंकल आए हुए थे। तो गाइस, हम फाइनली अपनी सिस्टर को लेके आ चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, एंड अकेले मेरा मूड मतलब बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं कितने दिनों से कह रही थी कि तुम चली आओ, तो फाइनली वो आ गई है, एंड हम लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे एंड बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सारे अपडेट आपको मिलेंगे, एंड ढेर सारा प्यार दो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड देखिए हम रूम पे आ चुके हैं, और काफ़ी तो वीडियो में बने रही। अब तो गाइस हम मंगाए पिज्ज़ा, और ये देखिए हमारी चटोरी सिस्टर जो है, मतलब ये ही उटपटांगे चीज़ खाती रहती है, मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक दिस पिज्ज़ा। इसके बाद से हमने रात को डिनर मंगाया, क्योंकि बनाने का कुछ मूड नहीं था, तो हम सोचे ऑर्डर ही कर देते। तो यहाँ पे मैंने कुछ पनीर वगैरह और पराठे वगैरह मंगाए और फ्राइज राइस बनाए। तो फिर इसके बाद से ये डिनर वगैरह करने के बाद से, खाने होने के बाद से, क्योंकि मूड नहीं होता ना, कहीं से आप थके आ रहे हो तो खाने होने का मन नहीं करता, तो खाने पीने के बाद से फिर यहीं फाइनल सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा प्यार देना।